जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। भारत कहते हैं जातियों का देश है। यहाँ पे माना जाता है कि हजारों जातियाँ हैं, और ये भी बात कही जाती है कि जातियों में जो लोगों को बांटा गया उसके पीछे एक साजिश रही है, और कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जातियों को बांट दिया है। लेकिन अब वो जब जातियाँ शिक्षा ग्रहण करने लगी हैं और उभर के सामने आ रही हैं, तो फिर अपना इतिहास ढूंढने लगी हैं, और तमाम जातियाँ जिनको पिछड़ा माना गया था, जिनको दलित माना गया था, उनका इतिहास अब ज़मीन के गर्भ से सामने आने लगा है। ऐसे ही एक समाज है राजभर समाज, जो कहा जाता है जिसके बारे में कि वो शासक जाति थी, फिर उसको इतना नीचे कर दिया गया, इतना उसको दलित बना दिया गया कि वो इतनी पिछड़ गई जाति कि फिर आज उसकी आर्थिक स्थिति देखी जाए तो बहुत ख़राब है। हमारे साथ हैं एम बी राजभर जी ने ये किताब लिखी है, भर राजभर साम्राज्य। इन्होंने तमाम इसमें बताए हैं राजभर समाज के इतिहास। सर हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर राजभर समाज का जो इतिहास है वो क्या रहा है, ये कहाँ से चले, आज कहाँ पहुँचे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूँगा इस किताब को लिखने के लिए। ये जो आप इस किताब के ज़रिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जब कोई मकान बनाता है आदमी, तो सबसे पहले उसके नीचे ज़मीन खोद के नीचे जाता है। उसी तरह से किसी मानव समाज का अगर इतिहास लिखना है तो सबसे पहले उसके नीचे जाना पड़ता है, मतलब उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ता है। इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, कैसे आई, इसका उत्थान और पतन कैसे हुआ, आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस हालत में है। तो जब हम देखते हैं अनेक जातियों में बटा हुआ ये देश है, ये साजिश हुई है, और इसके पहले मैं बता दूं, ये भर जाति भरत जाति है। भारत के नाम से ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये न तो दुष्यंत का लड़का था, न तो शकुंतला का, ये तब तो आए ही नहीं थे यार यहाँ पे, तब से इस देश का नाम भारत के नाम से भारतवर्ष पड़ा है। अब इतनी बड़ी भूल हो गई हिस्ट्री की कि जिस देश के नाम से इस देश का नाम पड़ा हो, जिस जात के नाम से, वो जात एकदम हाशिए पर क्यों है? मतलब राजभर समाज जो भारत देश नाम है आज, इसकी जड़ें राजभर समाज से जुड़ती हैं। जी जी, जोड़ नहीं दिया हमने, नहीं जोड़ा ये। अगर देखना हो, सेंसस कमिश्नर अंग्रेज तमाम आए, उन्होंने इस चीज़ को, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला अध्यक्ष था एलेक्स कनिंघम, उसने लिखा है। इसके बाद शेयरिंग जो सेंसस कमिश्नर था, जे एच हट्टन, वो भी अपने देश के सेंसस कमिश्नर रहे। इसके बाद राहुल संकृतान इस देश के थे, आजमगढ़ के, 14 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने लिखा है सतमी के बच्चे में और आर्य और अनार्य में कि इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ये भर जात के नाम से पड़ा। वो यही भर जात कालांतर में नागवंशी जात थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा पहला सवाल था कि ये जो किताब आपने लिखा है, इस किताब को लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो वर्तमान बना ही नहीं सकता, जिस समाज का अतीत नहीं होता उसका वर्तमान बन ही नहीं सकता। निज पूर्वजों के सद्गुणों का ज्ञान जिसको है नहीं, वह जात जीवित जातियों में रह कभी सकती नहीं। इसलिए खोजना पड़ा इस समाज के इतिहास को कि इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई, इनका उत्थान और पतन किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, क्या कमी रही। ये साम्राज्य के लोग थे, इनका साम्राज्य था, बहुत जगह साम्राज्य था, इस किताब में सब दर्ज है। आज भी भारतवर्ष की जमीन बोल रही है कि इनका कहाँ कहाँ साम्राज्य था। इनके किले और कोट खाइयाँ बोल रहे हैं, इनके शिलालेख ताम्रलेख और इनकी मुद्राएं बोल रही हैं कि इनका इतिहास था। लेकिन भारतवर्ष में इनके इतिहास को छुपा दिया गया, दबा दिया गया। इसलिए ज़रूरत पड़ी इसे खोजने की, लिखने की, समायोजित करने की। और जो राजभर जाति है वो शासक जाति रही है जी, हाँ, कहाँ कहाँ इनका शासन रहा है? देखिए, बहराइच एक है जिला, ये भरराइच है, भर के नाम से पड़ा है। भदोही जिला, ये भर दोहाई था, ये भर के नाम से पड़ा है। बनारस बंदारस, वाराणसी वरुणा और रसी जो स्कंद पुराण में लिखा है एकदम गलत लिखा है। बंदारस के नाम से इस देश का नाम यहाँ बनारस का नाम बंदारस के नाम से पड़ा, वो भर जाति का था। इसी तरह से बहुत से, यहाँ तक कि जिस गांव का, जिस जिले का नाम पूर्व और लास्ट में मऊ लगा हुआ है, वो सब भरों से संबंधित नाम है।
आज भी एग्जिस्ट है, बहुत सा। एक चैप्टर हमने इसमें दिया है कि ये कौन कौन से देश में, अपने देश में कौन कौन से गांव, कौन कौन से ज़िले, कौन कौन से टाउन इस जात के नाम से पड़े हैं, उसका एक चैप्टर ही हमने दिया हुआ है। आज भी वो एग्जिस्ट है, सरकार के दस्तावेज में एग्जिस्ट है, फिर भी इतिहासकारों के अवहेलनापूर्ण रवैये के कारण इस देश, इस समाज का इतिहास ही मिटा दिया गया, इसलिए ज़रूरत पड़ी इसे लिखने की। तो ये जो पूर्वांचल के ज़िले आप बता रहे हैं कि यहाँ यहाँ पर राजभर समाज था, तो पूर्वांचल में ही था या फिर इसके अलावा भी साम्राज्य था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये वास्तव में महाराष्ट्र नाम कैसे पड़ा, महार और रट्ट से, रट्ट माने नागवंशी होते हैं, महार माने आप जानते हैं, महार और रट्टों ने मिल करके इस समाज को बनाया। तो यहाँ नागवंशी लोग रहते थे, इसके बाद नागपुर आप जानते हो, नंदीवर्धन ये नागवंशी था। इसके बाद एक तुलसीदास ने दोहावली में एक दोहा लिखा है, वचन कहे अभिमान के पारथ देखत सेतु, गोपिन लूटत नीच भर जय न मीचते ही हो। तुलसी जैसा मक्कार और ब्राह्मणवादी कवि ने इनको नीच भर कहा। इन्होंने अर्जुन को हराया राजस्थान में, राजस्थान में भी इनकी आबादी है, महाराष्ट्र में इनकी आबादी है, चंद्रपुरी यवतमाल और बुलढाणा में सबसे ज़्यादा आबादी है, धन्यवाद। और महाराष्ट्र की लिस्ट में, एस टी की लिस्ट में 16वें नंबर पर ये दर्ज है, भर नाम से BHAR। और मध्य प्रदेश की लिस्ट में 18वें नंबर पर है, ये भर नाम से दर्ज है, BHAR। गौणों की उपजाति बताया गया है, जबकि वास्तव में गौणों से इनका कोई संबंध नहीं है। और उत्तर प्रदेश में ये OBC में है, इसके बाद बंगाल में बिहार में OBC में है, इसी तरह झारखंड में SC में है, रजवार नाम से बंगाल में SC में है, ये विभिन्न प्रांतों में इनकी आबादी है। आज जो हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर OBC की लिस्ट में है, तो ये विभिन्न प्रांतों में है। आसाम में इनकी बहुत अच्छी आबादी है, आसाम में KN भर साहब हैं, यहाँ वहाँ पे अच्छी आबादी है। तो ये प्रदेश हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में ये आज भी है, लेकिन विभिन्न नामों से। इनकी 153 उपजातियाँ हैं, 1831 की जो जनगणना है उसमें 153 उपजाति भरों की बताया गया है, ये सेंसस कमिश्नर हट्टन ने लिखा हुआ है। तो सारी चीज़ें हैं, ये पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में हैं। ये आपने कहा कि शिलालेख हैं, मुद्राएं हैं, जो ये साबित करती हैं कि राजभरों का अपना साम्राज्य रहा है, ये कहाँ कहाँ से सामने आई है? ये देखिए, KP जायसवाल एक हुए थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हुए थे, इंडियन, बंगाल के थे, इंग्लैंड से उन्होंने PhD किया था। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 1933-34 की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को एक बुक बनाया है। उस किताब का नाम है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 150-350। ये 150 से लेकर 350 ईस्वी तक 200 वर्षों का इतिहास भरों का है, भारसीयू नाम से। ये किताब, आपको ताज्जुब होगा, ये किताब मद्रास यूनिवर्सिटी में क्लास में प्रेस्क्राइब बुक है, यूनिवर्सिटी ने प्रेस्क्राइब में वो सिलेबस में रखा है। ये हिस्ट्री उत्तर प्रदेश की है, ये मद्रास में पढ़ाई जाती है। पुनर्नवा किताब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया के, उन्होंने पुनर्नवा किताब लिखी है, जो बलिया से लेके बनारस तक जो भरों की लड़ाई हुई है अन्य जातियों से, इसका इतिहास है। ये किताब गुजरात यूनिवर्सिटी में, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में प्रेस्क्राइब बुक है, BA में पढ़ाई जाती है। ये सारा उत्तर प्रदेश का इतिहास एक जगह मद्रास में, एक जगह गुजरात में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। उसी KP जायसवाल की किताब में सोने के सिक्के दिए गए हैं, इनके सोने के सिक्के चलते थे, इनकी मुद्राएं चलती थी, इनके शिलालेख हैं, उसमें सारी चीज़ें ब्यौरेवार दी गई हैं। ये सरकार का दस्तावेज है, मेरा नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि BD महाजन, ये दिल्ली का राइटर हैं, अब डेथ हो गई उनकी, वो BD महाजन जी किताब लिखी है जो MA में पढ़ाई जाती है इंग्लिश में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें एक चैप्टर नागभार शिवा डिनेस्टी में जोड़ा है, उसमें कुछ राजभरों के नाम, राजाओं का नाम गिनाया है, इसके अलावा किसी ने भी इस समाज के इतिहास को टच नहीं किया, इतना बड़ा भेदभाव किया। तो साम्राज्य की बात हो रही है, तो मैं आपसे पूछूं कहां से कहां तक फैला हुआ था साम्राज्य और किस वक्त था वो, कौन सा दौर था?
देखिए ऐसा है कि बिंबिसार का नाम आप सुने होंगे, है बंसी राजा, जो 16 जनपद थे गौतम बुद्ध के समय, भारतवर्ष का पहला राजा। इतिहास में एक प्रश्न आता है, आईएएस में पूछा गया था, भारतवर्ष का पहला ऐतिहासिक राजा कौन है, उसका नाम बिंबिसार है। बिंबिसार आप मालूम है, बिंबिसार से ले करके ये 543 ईस्वी से ले करके और 156 ईस्वी बीसी तक इनका राज रहा है, मगध से लेके बनारस तक। यहाँ तक कि ये कौशाम्बी प्रदेश इन्हीं के राज के अंतर्गत आता था। एक चैप्टर है, आप शुरुआत का इतिहास, एक चैप्टर है वंश, आप वो पूरा भरों का हिस्ट्री है, इसके बाद इनका कहीं इतिहास नहीं मिलता। 150 से लेके 350 ईस्वी तक काशी में, मिर्ज़ापुर में, मथुरा में और ग्वालियर में इनके 36 राजा हुए हैं, जो जिनके सिक्के चलते थे। प्रवर सेन से शुरू होता है और भवनाग दिग्नाग तक चला जाता है। भूत नंदी इनका लास्ट राजा था, इसके बाद शुंग वंश का राज। लास्ट राजा कब हुआ? ये लास्ट राजा हुआ है 153 ईस्वी में, 350 ईस्वी में इनका लास्ट राज गया है। इसके बाद ये बिल्कुल शांत रहे। ये जो राजा सुहेल देव का नाम आता है बार बार, है ना, जब भी राजभर समाज का कोई कार्यक्रम होता है, तो इनकी क्या भूमिका रही पूरे राजभर समाज में? देखिए ऐसा है कि भारसी वंश का जब राज चला गया 350 ईस्वी में, तो जगह जगह पे हमारे राजाओं ने, हमारे लोगों ने अपनी सेना बना करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। सबसे पहले अयोध्या का भरद्वाज राजा था, और आप देखेंगे जौनपुर का जो किला है वहाँ राजा केरार था। केराकत जो नाम पड़ा है वो केरार की छावनी थी, केराकत के नाम से पड़ा है। ये पहला राजा था। इसके बाद लास्ट राजा हमारा मनियार हुआ, जो 1556 ईस्वी तक हमारे राज रहे हैं, मनियार अवध का। इसके बाद बीच में तमाम राजा हुए हैं 676 वर्ष तक इनका राज रहा है। ये विभिन्न प्रांतों, और पूरा अगर भारत के इतिहास में देखें तो 1372 वर्ष तक इन लोगों ने राज किया है। मेरे पास ये सब रिकॉर्ड हैं। सुहेल देव का जो नाम आता है ये 1000 ईस्वी 9 से लेकर के और 1072 ईस्वी तक इनका राज रहा है। ये मैं जो इतिहास लिखा हूँ, इनके जैसा संस्कारित और इनके जैसा वीर और भद्र पुरुष राजभर समाज का और किसी राजा को मैं नहीं पाता हूँ, इसलिए इनको हाईलाइट किया जाता है। और एक चीज़ और बता दूँ कि पूरे भारतवर्ष को जीतता हुआ मोहम्मद गाजी चला गया नेपाल के बॉर्डर तक, बहराइच में, वो भरराइच जो नाम पड़ा है। अगर सुहेल देव हार गए होते तो भारतवर्ष को पूरा उसके कब्जे में हो गया होता, लेकिन सुहेल देव ने बहराइच के बॉर्डर पर जा करके उसको मारा, यानी देश के बॉर्डर पे जो नेपाल से अटैच है वहाँ पे मारा उसको, और दिखा दिया कि हमारे देश को जीता नहीं जा सकता। और मैं आपको प्रमाण बताऊँ, चित्तौड़ा के मैदान में वो लड़ाई हुई थी, जो चित्तौड़ा ब्लॉक है इसमें बहराइच में, एक जी सुहेल देव की और गाजी की लड़ाई चित्तौड़ा ब्लॉक में हुई। हिस्ट्री देखिए अपने को रिपीट करती है। महाराणा प्रताप जब आए तो उनको याद था कि जिस तरह से सुहेल देव ने चित्तौड़ा में पराजित किया था मुसलमानों को, मैं भी अपने किले का नाम चित्तौड़गढ़ रखूँगा। उन्होंने प्रेरणा लिया यहाँ से। और एक चीज़ और बता दूँ, महाराजा सुहेल देव का किले का नाम चारदा है। ये चारदा क्या है? चार सद्दा। ये सियालकोट में पड़ता है, पेशावर के बगल में। चार सद्दा ये हमारे नागवंशियों की राजधानी थी। हमारे महाराजा सुहेल देव जी के याद था कि जिस तरह से हमने वहाँ पे राजधानी कायम की थी, उसी तरह से हम अपनी चारदा में अपनी जो है राजधानी बनाएंगे, चारदा नाम से रहेगा। तो इतिहास एक दूसरे को याद रखता है। ये पतन का क्या कारण था, जो साम्राज्य था राजभर साम्राज्य, और कब हुआ ये? ऐसा है कि जब पहले तो आर्यों से इनका युद्ध हुआ, ये लड़ते रहे फिर भी अपना साम्राज्य, ये आर्य जब आए 1500 BC के पहले,
ये 2500 बरस 3000 बरस के पहले जब आर जाए तो इनका सबसे पहले लोहा तो सिंधु घाटी में हुआ, वो आप जानते हैं, उसी पर ऋग्वेद लिखा गया। ऋग्वेद क्या है? ये आर्यों और अनार्यों का युद्ध है, उसी को ऋग्वेद में श्लोक के रूप में दिया गया है। इसके बाद ये जब मुसलमान आए तो इनका युद्ध बराबर मुसलमान से मुगल नहीं, मुगल तो एक पर्टिकुलर हो गए, मुसलमान में मुगल भी आते। मुगल कौन होते? मंगोल के रहने वाले। अकबर का खानदान मुगल बोला जाता है। सारे मुसलमान को आप मुगल नहीं बोल सकते, खिलजी वंश को मुगल नहीं बोल सकते आप, हाँ दास वंश को मुगल नहीं बोल सकते आप। तो इनसे बराबर युद्ध होता रहा, युद्ध होते होते, और ये बड़े ताज्जुब की बात है कि भारत की अपर जातियाँ जब इनका युद्ध मुसलमानों से हो रहा था तो उनका साथ देती थी, मुसलमानों का साथ देती थी। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अकबर के 4 9 रत्न थे, उसमें 4 पंडित थे, टोडरमल, बीरबल, तानसेन और भगवान दास। हमारा कोई आदमी, छोटी जात का कोई आदमी कभी नहीं बना, ये उनके साथ में थे, ये कभी तो गुलाम थे ही नहीं। पहली बात ये है, चाहे मुसलमान आए, चाहे अंग्रेज आए, चाहे कोई भी आए, कभी ये गुलाम थे ही नहीं, अपने को ढाल लेते हैं इस तरह। और हम लोग लड़ते रहे, यहाँ तक कि जब हमारा साम्राज्य चला गया, युद्ध में हार गए, तो हम जंगलों का रास्ता पकड़े, हमारी शिक्षा दीक्षा सब चली गई, यहाँ तक इतने नीचे चले गए, कबीला बना करके हम गांव-गांव पे टूट पड़ते थे, डाका मारते थे, अनाज खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए हम गांव में अटैक करते थे और लाद करके घोड़ों पर ले जाके जंगल में हम खाते पीते जीते थे। हमारी शिक्षा दीक्षा सब कुछ चली गई। इसके बाद हमको क्रिमिनल टाइप्स एक्ट, अंग्रेज़ों ने जब देखा कि ये तो कहीं भर हैं यहाँ पे, तो मालूम पड़ा हाँ ये चोर हैं, ये चोरी करते हैं लोग, तो इनको क्रिमिनल टाइप्स एक्ट में डाला। लड़ते लड़ते हमारी शिक्षा चली गई, हमारी दीक्षा चली गई, हमारे सभ्यता और संस्कार चले गए, जंगली व्यवहार करने, यहाँ तक कि हमारे लोग मुसलमानों के डर से अपने घर के दरवाजे पर सुअर तक पालना चालू कर दिए ताकि मुसलमान अटैक न करें, बाल विवाह करना चालू कर दिए, हमारी बड़ी जवान लड़कियों को उठा ले जाते थे। कितना बड़ा दरिंदगी किया गया इस समाज को, इसलिए बाल विवाह तक हुआ, बाल विवाह भी चला और सुअर पालन भी चला उनसे बचने के लिए। बचते बचते आज इतने हम हैं, इतनी चीज़ हमने झेली है, झेलते झेलते तब आज भी बहुत, कितने तो 153 उपजातियों में बट गई है, अपने अपने सभ्यता और संस्कृति के अनुसार ढलने लगे सारे लोग। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि राजभर समाज अकेले 153 जातियों में बटा है, हाँ आज भी तो, लेकिन मूल तो इसका एक ही होगा। मूल एक ही है, उसके कारण है। आप जे एच हट्टन को पढ़ेंगे या विलियम क्रुक को पढ़ेंगे, एथनोलॉजिस्ट को पढ़िए किसी अंग्रेज को, कब टूटी जातियाँ, कैसे टूटी, इसका पूरा विवरण दिया गया। रजवार के लोग आए हैं यहाँ, रजवार कैसे राज, वो प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, RAJWAR, तो बाबा साहब ने जो 199 पेज पे आप पढ़िए, बाबा साहब राइटिंग एंड स्पीचेस फर्स्ट वॉल्यूम 199 पेज पे बाबा साहब ने दिया हुआ कौन कौन सी जातियाँ इनसे टूटी हैं, इनकी जनसंख्या कितनी है, कहाँ कहाँ रहते हैं, लिख्स बनाई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बाबा साहब ने उसमें वर्णन किया है, उसमें 9 कैटेगरी जो बनी थी हमारी बहुत सी उपजातियों को उसमें रखा गया है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के कुछ लोगों ने कहा कि हम तो राजा थे, हम बड़ी जात में आते हैं, इसलिए वहाँ से निकाल दिया गया। ये इतिहास का भोग रहे हैं हम, और आज उसी की डिमांड कर रहे हैं हम। तो आज के वक्त में आप कहाँ से चले थे आपने बताया, फिर किस तरीके से नीचे आए, अभी राजभर समाज की क्या स्थिति है और वो लोग उठने की जो कोशिश कर रहे हैं उनका जो थोड़ा सा आगे बढ़ें, फिर ये किस वजह से बढ़ पाएँ, और अभी जो उनकी जो अहम डिमांड है ना आगे बढ़ने की, या फिर जो पहचान अपनी कायम करने की, उसके लिए ये समाज क्या कर रहा है? देखिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सारी जानकारियाँ मिलती हैं। ये जो आज चल रहा है ये पढ़े लिखे लोग इस जरूरत को समझ रहे हैं, ये इम्प्लॉइज लोग जितने हैं ये लोग समझ रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या रही, हमको क्या होना चाहिए, संविधान में हमको अधिकार क्या दिया, हमारे अधिकारों का हनन कहाँ हो रहा है। तो इसलिए ये सब अब एक निर्णायक युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं कि संविधान में जो हमको अधिकार दिया गया है वो अधिकार हमको मिलता क्यों नहीं है। धारा 15 से शुरू होती है आरक्षण की व्यवस्था, 342 तक चली जाती है बीच बीच में। इन धाराओं को आप देखें तो एकदम उपेक्षित है हमारा समाज,
अब मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एससी की जो बात करते हैं एससी भी अभी अपलिफ्ट हो गया है, लेकिन हम उसकी जगह जो खाली हुई है हम वहाँ पहुँच गए हैं, जीरो पे हम पहुँच गए, हमारी विकास दर एकदम जीरो पे पहुँच गई है। तो हम चाहते हैं, मांग तो हम नहीं करेंगे, मांग करते करते हम थक गए। कितनी पॉपुलेशन होगी देश भर में इस समाज? हमारे अनुसार 1.5 करोड़ पॉपुलेशन इनकी उत्तर प्रदेश में है, सब मिला के 4.25 करोड़ आबादी हमारी है इंडिया में इसमें भर नाम से। और अगर उपजातियों की गणना करेंगे 153, तो हम 10 करोड़ के लगभग हैं, पूरे भारतवर्ष में 10 करोड़ हैं भर की, और उनकी उपजातियों को लेकर के। ये भरिया है, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी आबादी है, रजवार हैं, राजवंशी हैं, तो बिहार हैं, चंदेल हैं, परमार हैं, परिहार हैं, इन सब की गणना आप कर डालिए तो हमारा 10 करोड़ के लगभग हमारी आबादी पड़ती है। तो ये थे हमारे साथ एमबी राजभर साहब। भारत में जातियों को क्यों बांटा गया है, शायद एमबी राजभर जी की इस किताब से और इन्होंने जो भर समाज का इतिहास बताया उससे यह साफ हो जाता है कि किस तरीके से जो गौरवशाली जातियाँ थीं, जो शासक जातियाँ थीं भारत की, जिसका दावा आज तमाम जातियाँ कर रही हैं, उनको मिटा के उनके इतिहास को इतना उनके इतिहास को उलट के रख दिया गया, जिससे अब ढूंढ के निकालने की कोशिश हो रही है। और एक और बात जो निकल के आई सामने कि राजभर समाज शायद एक ऐसा समाज है जिसको ओबीसी, एससी और एसटी तमाम प्रदेशों में अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन जैसा कि सर ने बताया, जो जातियों का स्वर्णिम इतिहास इन्होंने बताया, जाहिर सी बात है कि इस समाज को जो युवा है अपनी जाति को जान के उस पर गर्व महसूस करेगा। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।